Well, let's get you BJP leaders' reactions after their meeting with the Election Commission. अरे हाथ नीचे बोलिए लखनऊ बोला सर सर इलेक्शन कमीशन से क्या आपत्ति है जो करें अरे माइक तो नीचे करो यार अरे माइक नीचे करो सर मित्रों जी मित्रों सर सुन लीजिए मित्रों भारतीय जनता पार्टी साइलेंस का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिला जिसमें कि दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री श्याम जाजू जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नलिन जी कोहली जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामाकृष्णा जी श्री श्रीकांत शर्मा जी चंद्रशेखर जी मौजूद थे। चुनाव आयोग ने कल चुनावों की घोषणा की है और चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता का इम्पोज हो गई है और आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी तरह का राजनीतिक कार्यक्रम यहां तक कि शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम भी अगर करेगी तो वो जो संबंधित चुनाव अधिकारी हैं जिलों के उनसे अनुमति लेकर करेगी। लेकिन कल एक नई पार्टी है आप पार्टी, उसने जिस तरह से अराजकता जिस तरह से गुंडागर्दी के माध्यम से गुजरात में दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर और लखनऊ और देश के अन्य हिस्सों में अराजकता और अनार्की के माध्यम से निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव वो उसको बाधित करने का षड्यंत्र किया है और साथ ही साथ केवल यही नहीं किया है, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लेकर के और अराजकता फैलाई, राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से अपने अराजकता और गुंडागर्दी को अंजाम देने का काम किया। जबकि कोई भी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक गतिविधियों के लिए, ये तो हिंसक गतिविधि थी, राजनीतिक भी नहीं थी, राष्ट्रीय ध्वज का अगर इस्तेमाल करता है तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है और आपराधिक प्रैक्टिसेस में आता है। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के कि हमने चुनाव आयोग से कहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो सके, भयमुक्त माहौल में चुनाव हो सके और जिस तरह से स्ट्रीट के गुंडों की तरह ये पार्टी और इस पार्टी के लोग व्यवहार कर रहे हैं उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में अगर इन पर लगाम नहीं लगाई गई, इन पर कानून का शिकंजा नहीं कसा गया, इनको इस तरह की गतिविधियों से रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की हिंसक वारदातें और हिंसक घटनाएं दिखाई पड़ सकती हैं। क्या आश्वासन मिला? क्योंकि अभी तक जितना भी चुनाव आयोग ने चुनाव संपन्न कराए हैं, हम चुनाव आयोग को बधाई भी दी है, उन्होंने वायलेंस फ्री इलेक्शन हुआ है, हिंसा से मुक्त इलेक्शन हुआ है, कहीं पर भी किसी तरह की हिंसा की घटनाएं दिखाई नहीं पड़ी है। लेकिन चुनाव की घोषणा होते ही इस पार्टी ने जिस तरह से हिंसक तांडव किया, जिस तरह से हिंसा के माध्यम से चुनाव को के माहौल को खराब करने का षड्यंत्र किया, उससे एक बात बहुत साफ है कि कुछ ताकतें, ऐसी ताकतें, कुछ विदेशी ताकतें भी इनके साथ हैं जो कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने की साजिश में शामिल हैं। और ये एक ऐसा माओवाद का सौम्य चेहरा है, द जेंटल फेस ऑफ माओइज्म, जो कि देश की डेमोक्रेसी को हाईजैक करके एनआरकी के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन ताकतों को ऐसी सबक मिल सके जो लोग की कहीं ना कहीं चुनाव को
बाधित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है और कहा है कि हम इस मान्यता को खत्म करने का भी एक प्रावधान है, उसके बारे में भी हमने कहा है। उसके अलावा और भी जो कानून के तहत कार्रवाई है उसके बारे में भी कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह के किसी भी गैर कानूनी चुनाव को बाधित करने वाले, वायलेंस करने वाले किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे किसी भी स्तर पे हो। और चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में उसके अलावा आशुतोष कैंडिडेट है और कल वो लीड कर रहे थे इस मामले, क्या उनकी सदस्यता या उसमें जो भी